जी बिल्कुल नाजरीन, आप देख रहे हैं सियालकोट टीवी, आपका होस्ट मलक अली। इस वक्त मैं सियालकोट का इलाका थाना मुरादपुर के नवाही गांव काला घुमना के अंदर मौजूद हूं, जहां पर बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने ही शोहर को गोलियों की बुछार से कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं ये माजरा क्या है, उनके अहले खाना के पास चलते हैं। गांव के अंदर मौजूद हूँ, गाँव के अहले खाना से जानते हैं और गाँव वालों से भी जानते हैं कि वो उस दिन क्या माजरा पेश आया। रात के टाइम जी कुछ लोग आए और वो उस नौजवान को कत्ल करके यहाँ पे चले गए, और बाद में पता चला उनका कोई चक्कर शक्कर था या क्या मामला था। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। पुलिस के लिए ये बड़ा अप्रिसिएशन है, हमारे लिए भी है कि गरीब ख़ानदान को इंसाफ मिला, और इंशाल्लाह मज़ीद भी अदालतों से भी रिलीफ मिलेगा और जो कल्प्रट हैं वो अपने कैफरे किरदार को पहुँचेगा। सुबह काम पर जो उनसन गया है, वो बीवी उसकी पहले जो उनसन एक मंथ हो गया था उसके मायके थी, क्योंकि उसने जो उनसे ना मोबाइल में ना मैसेज देखे थे, तो उसने उसके भाई को पैगाम दिया था कैसे ऐसे आपकी जो उनसे ना बहन के किसी से बातचीत हो रही है। तो आपके साथ भी वो झगड़ती थी? नहीं, मेरे मियाँ के साथ उसका जो उनसे ना रिलेशनशिप जो उनसे ना वो ठीक नहीं था, इन दोनों की नहीं थी लगती आपस में, वैसे छोटी छोटी बातों में जो उनसे ना झगड़ा हो जाता था। आए रोज झगड़ता था? नहीं, आए जो रोज नहीं था, रहता कभी कभी होता था दोनों का। तो उस दिन वो यहाँ से घर से ठीक ठाक काम से गया काम पे, तो उसके पास उसने बुलाया उधर उसको? हाँ, उसने जो उनसे उसे लेने जाना था, उसने उस दिन घर आना था उसकी बीवी ने, पर क्या पता नहीं क्या वजह बनी है वो घर पे नहीं आई, उसे पैसे दे के जो उनसे ना वो आ गया वापस। उसकी शादी किस जगह हुई है? कोटपुर हुई है। तो आप उसके क्या रखते हैं? मैं इस फियान की भाभी हूँ। जी उन्हें साधन सही था मन की था पुलिस वाले ने, तो उन्होंने मुलजमान पकड़े हैं आपके, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको सजा हो, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, मेरा बेटा इंसाफ चाहिए। SHO मुरादपुर से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने मुलजमान को ट्रेस किया है, अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया था, हमने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजमान को ट्रेस किया और मुलजमान को जुडिशल हवाला सियालकोट कर दिया है। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान मलक